subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. मेडिकल प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, लेकिन जब ये सुनना ही देता है, हॉस्पिटल की बात होती है, सर्जरीज की बात होती है, तो डर लगता है, सिर्फ ऑपरेशन से ही नहीं, बिल से भी, अनफॉर्चुनेटली। बट ऐसे कई प्रोफेशनल्स हैं जो इसे प्रोफेशन नहीं मानते हैं, इसे अपना पैशन मानते हैं, अपनी मॉरल ड्यूटी मानते हैं। और जो हमने बार बार देखा है, सिर्फ मैंने नहीं, नवी मुंबई के सभी लोगों ने देखा है, डॉक्टर वंदना जैन को एडवांस आई जब से उन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया, और अब ऑफ कोर्स पूरे स्टेट में और कंट्री में ये कर रही हैं, डॉक्टर वंदना जैन फॉर अ केयरिंग प्रोफेशनल। थैंक यू मैम फॉर कमिंग, एंड डॉक्टर विजय पाटिल, हू बेटर टू फेलिसिटेट मैम। डॉक्टर्स हमारी जिंदगी में फरिश्तों की तरह होते हैं, और बात अगर आंखों जैसी नाजुक और जरूरी बॉडी पार्ट की हो तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो पहला नाम सामने आता है वो है श्रीमती डॉक्टर वंदना जैन। दिल्ली यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट रही डॉक्टर वंदना जैन एक उत्कृष्ट सर्जन है। वो नवी मुंबई के मल्टी स्पेशलिटी एडवांस्ड आई हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट और अन्य मेडिकल बिजनेसेस की भी फाउंडर है। श्री जैन कई इंटरनेशनल पेटेंट्स की को ओनर भी है। डॉक्टर जैन अपने पेशेंट्स को फैमिली की तरह ट्रीट करती है। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हाईली एजुकेटेड और कई हेल्थ केयर स्टार्टअप्स की एडवाइजर डॉक्टर वंदना जैन ने 50 से अधिक पब्लिकेशंस की समीक्षा भी की है। कामयाबी में आसमान छूने वाली, लेकिन पैर जमीन पर रखकर पेशेंट्स के साथ अपनापन का रिश्ता बनाकर उनकी ट्रीटमेंट करने वाली डॉक्टर वंदना जैन को आवाज टुडे स्टार्स अवार्ड केयरिंग प्रोफेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। सो इस फील्ड में आना, तो एक्चुअली जब मैं 11th 12th में थी, तभी मेरे फादर को एक आंख में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, और एक आंख से उनको बचपन से ही नहीं दिखता था, और जिससे दिखता था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो उनकी सर्जरी उस टाइम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में करवाई गई थी, और करने के बाद उनको थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 15 दिन तक उनको कुछ भी नहीं दिखा था। सो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आँखें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, और इंसान की क्या हालत होती है जब उसको दिखे ना। एंड आई सॉ इट अप क्लोज अपने ही फादर के साथ। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं आँखों की डॉक्टर बनूंगी, एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरी जर्नी बहुत ही स्मूथ चलती रही। सो मैंने इनिशियली अपना MBBS और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आई वांटेड टू डू सुपर स्पेशलाइजेशन। तो उसके लिए मैंने दो फेलोशिप्स की थी, एक LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, वहाँ से कॉर्निया की फेलोशिप की थी, और उसके बाद हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी की फेलोशिप होती है, वो भी की थी।
सो वो दोनों फेलोशिप्स करके देन बेसिकली देन नाउ टुडे आई एम अ कॉर्निया कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, विच मीन्स कि मोतियाबिंदु, चश्मा निकालने की सर्जरीज और कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन जैसी ये सब सर्जरीज जो है मैं करती हूँ। ओके मैम, आपने नबी मुंबई में ये कब से चालू किया और कैसे आपके दिमाग में आया कि नबी मुंबई में ये चालू करना चाहिए चीज़? सो 2006 में मैं दिल्ली से बॉम्बे मूव की थी। तभी एक हॉस्पिटल है बॉम्बे में जिसका नाम है आदित्य ज्योताय हॉस्पिटल, वहाँ पे मुझे हेड ऑफ कॉर्निया और हेड ऑफ एकेडमिक्स की पोजीशन दी गई थी और मैंने वहाँ 4 साल काम किया था। उस 4 साल के दौरान मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वहाँ पर बॉम्बे में एक्चुअली नवी मुंबई से आते हैं और नवी मुंबई में जो आई केयर की अच्छी इस्टेब्लिशमेंट है वो ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, प्रैक्टिस करते करते मैंने ये भी नोटिस किया कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो थोड़ा ब्रोकन है और हम पेशेंट को वो केयर नहीं देते हैं जो पेशेंट डिज़र्व करता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कस्टमर सर्विस। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है पेशेंट्स की तरह, नॉट लाइक कस्टमर्स। आइडियली अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर जो एक सर्विस इंडस्ट्री है वहाँ पर हमें और भी ज़्यादा अच्छे से अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहिए। सो आई वॉन्टेड टू फिल बोथ दीज गैप्स कि एक तो नवी मुंबई में कोई अच्छा हॉस्पिटल आँखों का है नहीं और दूसरा कि हम इस इंडस्ट्री को कैसे और बेटर बना सकते हैं। विद दिस थॉट इन माइंड मैं MBA करने चली गई 2 साल का ब्रेक लेकर टू स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल। MBA करने के बाद जब मैं वापस आई तो मेरे पास 2 choices थी, या तो मैं बॉम्बे में वापस जाती और वहीं पर कुछ चालू करती, बट देन आई रियलाइज कि न्यू बॉम्बे में नहीं और तभी तक भी नहीं था। सो वी स्टार्टेड एडवांस्ड आई हॉस्पिटल इन न्यू बॉम्बे ऑन द पाम बीच रोड और मेरे क्राइटेरिया उस चीज़ के द सिलेक्शन ऑफ प्लेस वॉज वेरी वेरी क्लियर। आई वॉन्टेड अ लोकेशन विच विल बी पीसफुल, काम, विच विल बी अवे फ्रॉम ट्रैफिक। इसीलिए हम लोग सर्विस रोड पे हैं ताकि वहाँ पे एम्पल पार्किंग की स्पेस मिले पेशेंट्स को, वहाँ पे रनिंग ट्रैफिक ना हो तो ताकि जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उनको अंदर बाहर होने में प्रॉब्लम ना हो। और हमने हॉस्पिटल को बहुत ओपन तरीके से बनाया ताकि पेशेंट्स जब हॉस्पिटल के अंदर आए तो उनको ऐसा ना लगे कि वो हॉस्पिटल के अंदर है, बट एक्चुअली इट क्रिएट्स अ फील गुड फैक्टर। फिर मैंने रिट्स कार्टन की एक सर्विस डिलीवरी मॉडल की ट्रेनिंग होती है वो मैंने US में ली ताकि उसके कुछ प्रोपोनेंट्स हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकें। सो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि जो मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उनसे मैंने जो सीखा वो मैंने यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश की। ओके मैम, आपकी जर्नी को देख के आवाज़ टुडे आपको इस साल अवार्ड दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आवाज़ टुडे के लिए? वेल, आवाज़ टुडे जो है बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है उनका कि वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं ऐसे सब लोगों को जिन्होंने शायद कुछ भी अच्छा काम किया है। तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इस चीज़ के लिए जो हमने हार्डवर्क किया है पिछले 8 साल में इस हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश करने के लिए और इसके प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए, उस चीज़ के लिए रिकग्निशन मिल रहा है एंड आई फील वेरी थैंकफुल। एंड ऑल्सो आई अप्रिशिएट कि आप उन सब लोगों को जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में कुछ अच्छा काम किया है उनको आप रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और उनको अवार्ड दे रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू अप्लॉड कि आप इस तरह के अच्छे काम करते रहें और नवी मुंबई में जितने भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको सबके सामने लेके आए। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।